दूसरी यहाँ पे जो कार के साथ प्रॉब्लम होती है आपके इंजन के साथ, वो ये होती है कि धीरे धीरे आपका इंजन, अगर आप लेट सर्विस ऐसी करवाते रहोगे तो आपने बाइक भी देखी होंगी, उनके वाइड धुआं देने लगती है वो, यानी उनके पिस्टन है जो खराब होने लगते हैं। डीजल इंजन के लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा इंजन ऑयल, पेट्रोल कार के लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा इंजन ऑयल, या आपकी सीएनजी है और पेट्रोल भी है उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा इंजन ऑयल। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, आप सब बढ़िया होगे एकदम। आज मैं टॉपिक पे जो बात करने वाला हूँ वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि मैं अपनी जो कार चलाता हूँ, एक साल में मेरी 2000 चल जाती है, कभी चल जाती है 5000 चल जाती है, और कभी 1000 चलती है, कभी 1500, मतलब 10000 पूरी प्रॉपर नहीं चल पाती है मेरी कार एक साल के अंदर, तो मुझे कार की सर्विस जब 10000 वो कार चल जाती है तभी करवानी चाहिए, या मुझे करवानी चाहिए एक साल पूरे होने पर ही करवा लेनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये टॉपिक है और कंफ्यूजन भी बहुत से लोगों को ये है और हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि उनको ये समझ में जब तक नहीं आएगा ये टॉपिक वो तब तक ये चीज करेंगे ही। और बहुत से लोग ये करते हैं कि जब वो 10000 चलती है तभी वो कार की सर्विस करवाते हैं अपनी की। बहुत से लोगों की कार का ये रहता है ऑयल है जो इंजन ऑयल, मेरी कार के साथ में उन्होंने बताया था कि 8000 चलेगी तब सर्विस करवानी है, और बहुत से लोगों के होता है नॉर्मल जो कार का होता है वो 10000 का पीरियड होता है कि 10000 कार चलेगी एक साल के अंदर, या 10000 तुम एक महीने में चला दो या दो महीने में चला दो, 10000 चलेगी तभी आपको सर्विस करवानी चाहिए, और अगर नहीं करवाएं तो कब करवाएं। तो आपको मैं इस वीडियो में सारी इन बातों का कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि आपको कब करवानी चाहिए कब नहीं करवानी चाहिए, कितने किलोमीटर पर करवानी चाहिए कितने किलोमीटर पर नहीं करवानी चाहिए। दोस्तों तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि मान लेते हैं आपकी कार है जो वो 10000 चल जाती है एक महीने में, दो महीने में, या एक साल से पहले चल जाती है आपकी कार 10000, या आपका इंजन ऑयल लिमिट है जो 8000 की लिमिट है आप करवा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करवा पाते कि मान लो आपने एक साल हो गया आपकी कार को, आपने इंजन ऑयल है जो मतलब आपकी कार चली है 1000 भी चल सकती है, 2000 भी, 5000, 7000, यानी 10000 से कम चली है आपकी कार, अगर आपके इंजन ऑयल का लिमिट है जैसे 8000 की, अगर आपने 6000 भी चला ली तो आप सोचोगे यार 2000 और चला लेता हूँ, नहीं उसके रीजन समझो, तब तक आपको कार का जो इंजन ऑयल है वो चेंज करवाना चाहिए जब तक उसकी लिमिट है। अगर एक साल की लिमिट है तो एक साल के अंदर चेंज करवाओ इंजन ऑयल। क्यों करवाना है आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मान लेते हैं आपने खाना खाया, सुबह खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया सुबह आपने, और जाके दोपहर में आपको भूख लगती है, दोनों केस में ये होगा कि आपने कुछ मेहनत करी, कुछ वर्क किया, तब भी आपको दोपहर में भूख लगने वाली है 1 बजे 2 बजे, या दोपहर में भूख लगने वाली है प्रॉपर। अगर आपने कोई काम नहीं करा तब भी वो भूख लगने वाली है। तो सेम है कार के इंजन ऑयल के साथ, अगर आपने इंजन ऑयल जो डलवाते हो, प्योर इंजन ऑयल जब होता है तो वो लिक्विड होता है और वो बहुत स्मूथ होता है ऑयल, अगर वो टाइम के साथ साथ वो घिसता भी है, इंजन के साथ चलता भी है, और नहीं चलने की वजह से भी उसके अंदर कुछ ऑक्साइड आ जाते हैं, मुझे इतना तो मालूम नहीं है, लेकिन वो जो ऑयल है आपका इंजन ऑयल वो नॉर्मल की जगह वो गाढ़ा होने लगता है, जो नॉर्मल आप फ्रेश इंजन ऑयल डालोगे वो बहुत चिकना और स्मूथ होता है, लेकिन जैसे वो टाइम के साथ चलता जाता है या खड़ी भी रहती है कार आपकी तो वो इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जितना वो गाढ़ा हो जाएगा इंजन आपका ऑयल तो उतना ही वो खराब होगा और उतनी ही आपकी कार अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, अब तो मैंने आपको बता दिया कि इंजन ऑयल चेंज करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपकी कार चलती है एक साल, या आपकी चलती है दो महीने, कितना भी चले एक साल के अंदर सर्विस करवाना कार की बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे एक मैं बात कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि आपको इंजन ऑयल चेंज ना करवाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बहुत ये लोग सोचते हैं कि यार मैं तो ये करूँगा, मैं तो तभी करवाऊँगा इंजन ऑयल क्योंकि मैंने इतनी कार चलाई नहीं, तो अगर आप ये लेट इंजन ऑयल बार बार ऐसे ही चेंज करवाते रहोगे तो आपको सबसे पहले आपकी एवरेज पे फर्क पड़ेगा, आपकी इंजन जो एवरेज निकाल के दे रहा है, कार आपकी जो पेट्रोल पे एवरेज निकाल के दे रही है, सीएनजी पे एवरेज निकाल के दे रही है,
वो एवरेज कम निकाल के देगी। दूसरी यहाँ पे जो कार के साथ प्रॉब्लम होती है आपके इंजन के साथ वो ये होती है कि धीरे धीरे आपका इंजन, अगर आप लेट सर्विस ऐसी करवाते रहोगे तो आपने बाइक भी देखी होंगी उनके वाइड धुआं देने लगती है वो, यानी उनके पिस्टन है जो खराब होने लगते हैं, क्योंकि टाइम के साथ अगर आप उसे सर्विस नहीं करवाओगे तो ये कुछ ना कुछ मेजर इशू आने शुरू हो जाते हैं। तो कार में भी वाइड धुआं की इशू आने का बहुत ज़्यादा मेन चांस हो जाता है। तो अगर आप सर्विस नहीं करवाते हो तो कार के साथ ये प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके कि वाइड धुआं देने लगे। अब सीएनजी की बात छिड़ चुकी है तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अब आपका एक यहाँ पे सवाल रहेगा कि भाई मैं कौन सा इंजन ऑयल डलवाऊं अपनी कार में, कौन सा बेस्ट रहेगा। भाइयों मैंने ऊपर इसके अभी कोई रिसर्च नहीं करी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसके ऊपर एक जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा कि आपकी कार के लिए डीजल इंजन के लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा इंजन ऑयल, पेट्रोल कार के लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा इंजन ऑयल, या आपकी सीएनजी है और पेट्रोल भी है उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा इंजन ऑयल। अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में आप लिख के बता सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा मेरे भाइयों। अब सीएनजी की बात छिड़ चुकी है तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, बहुत से लोग ये करते हैं कि सीएनजी पे भी जब सर्विस करवाते हैं ना कार की, जहां 10,000 की लिमिट होती है ना सीएनजी पे कार की सर्विस करवाने की, वो वहां पे आप 8,000 की करवाओ। पेट्रोल पे अगर आप कार चला रहे हो तो 10,000 पे ही करवाओ, 10,000 चला के करवाओ, अगर एक साल के अंदर ही करवानी है। मतलब अगर आप चलाते हो कार अपनी सीएनजी पे तो आपको उससे 2,000 पहले सर्विस करवानी जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसके पीछे अरुण भाई ने भी बता रखा है, ये बता रखा है कि, और ये सही बात है बिल्कुल, कि इंजन जब पेट्रोल पे चलता है तब वो अलग जोन में रहता है, और चलता है जब सीएनजी पे चलता है तो अलग उसमें रहता है। सीएनजी पे जब चलता है तो वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लेता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, उसकी वजह से फिल्टर है जो आपका वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और जो आपका ऑयल है वो भी बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। उसकी वजह से आपको सर्विस अगर आप जल्दी करवाओगे टाइम से, यानी जहाँ 10,000 की लिमिट है 2,000 कम पे करवाओगे, 8,000 पे करवाओगे, तो आपकी कार के साथ कोई दिक्कत ही नहीं होगी, यानी स्मूथ चलती ही जाएगी। बहुत टाइम बाद आपने देखा होगा कि कार में दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। दिक्कतें क्यों आनी चालू हो जाती है, वो इसलिए आनी चालू हो जाती है कि वो जो सीएनजी पे करवाते हैं सर्विस और पेट्रोल पे सर्विस करवाते हैं, दोनों एक जैसे ही करवाते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके आप बता सकते हो, इस तरह की और वीडियोस चाहिए आपको मिल जाएगी, आई बटन पे जाके विजिट कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अगर आप चाहो तो दोस्तों मेरे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो, स्लीपो बीच के नाम से, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप यहाँ तक आपने वीडियो देखी है आपको जरूर से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट्स हो मेरे भाई हो तो कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इस चीज के ऊपर बताओ, हो सके तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, या आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे भाई हो। तो मिलेंगे हम इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। Drop top, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't try no.